जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से श्री भाई जी कहते हैं, राधा रानी कौन थी, उनके साथ श्री कृष्ण का लौकिक रूप से क्या संबंध था, विवाह हुआ था या नहीं, इन सब बातों पर बहुत आलोचना हो चुकी है और इस विचार में कोई लाभ भी नहीं है। आज इस प्राकट्य महामहोत्सव के दिन हम सब श्री वृषभानु दुलारी कीर्तिदा कुमारी के पावन चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनंत प्रणिपात करके उनसे उनके पवित्र प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। बोलो श्री वृषभानु दुलारी की, श्री कीर्तिदा कुमारी की। रात्रि में भाई जी प्रवचन करते हुए कहने लगे, समस्त संसार के प्राणी भोग सुख की कामना करते हैं, सभी के मन सदा भोग लालसा से भरे रहते हैं, मनुष्य दिन रात इसी चिंता में जलते रहते हैं कि उनकी भोग लालसा पूरी हो। इस भोग काम को लेकर ही जगत के प्राणी निरंतर दुख सागर में डूबते उतरते रहते हैं। यह भोग काम मनुष्य के ज्ञान को ढके रखता है। मनुष्य भूल से भोग काम को ही प्रेम मान लेता है और काम के कलुषित गरल कुंड में निमग्न रहकर प्रेम के पवित्र नाम को कलंकित करते हैं। वस्तुतः काम और प्रेम में महान अंतर है। जैसे कांच और हीरा देखने में एक से दिखाई देते हैं, पर दोनों में महान भेद होता है। अनुभवी जोहरी ही असली हीरे को और उसके मूल्य को पहचानते और जानते हैं। उसी प्रकार प्रेम की पहचान भी किन्हीं बिरले भोग काम लेश शून्य प्रेमी महानुभावों को ही होती है। काम अंधतम है, प्रेम निर्मल भास्कर है। अंधा मनुष्य अपने को ही जानता है, दूसरे को नहीं, परंतु कामांध मनुष्य तो अपना हित भी नहीं देखता। इसी से काम को अंधतम कहा गया है। काम का उदय होने पर विद्वान की विद्वत्ता, त्यागी का त्याग, तपस्वी की तपस्या, साधु की साधुता और वैरागी का वैराग्य सभी हवा हो जाते हैं। कामांध मनुष्य अपना कल्याण ही नहीं नष्ट करता, सर्वनाश कर डालता है। काम की दृष्टि रहती है अधः इंद्रियों को तृप्त करने में, और प्रेम का लक्ष्य रहता है ऊर्ध्वतम भगवान के आनंद विधान की ओर। काम से आत्मा का अधः पात होता है और प्रेम से दिव्य भगवदानंद का दुर्लभ आस्वादन मिलता है। अतएव काम तथा प्रेम परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं। काम और प्रेम का भेद बतलाते हुए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म। सर्व त्याग करे करे कृष्ण र भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन। मनुष्य की कामना जब शरीर में केंद्रित होती है तब उसका नाम होता है काम, और जब कृष्ण में केंद्रित होती है तब वही प्रेम बन जाती है। यह निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा भोग सुख कामना जिसकी जितनी कम है वह उतना ही महान है। जो निज भोग सुख को सर्वथा भूलकर सर्वथा पर सुख परायण हो जाते हैं वे सच्चे महापुरुष हैं, और जिनका आत्म सुख सदा सर्वदा सर्वथा श्री कृष्ण सुख में परिणित हो जाता है वे तो महापुरुषों के द्वारा भी परम वंदनीय हैं। उनकी तुलना जगत में कहीं किसी से होती ही नहीं। श्री गोपांगनाएं ऐसी ही कृष्ण सुख प्राणा और सहज कृष्ण सुख स्वभावा थी, वे ही सच्ची प्रेमिकाएं थीं। इसी से वे वेद धर्म देह धर्म लोक धर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख स्वजन एवं आर्यपथ यों सर्व त्याग करके सदा श्री कृष्ण का सहज भजन करती थी। जब तक मन में जरा भी लोक परलोक भोग मोक्ष आदि की कामना रहती है तब तक सर्व त्याग हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण सुख के लिए सर्व त्याग, यही गोपी की विशेषता है। निज सुख के लिए लोग बहुत कुछ त्याग करते हैं, परंतु केवल कृष्ण सुख के लिए सर्व त्याग करना केवल गोपी में ही संभव है। वस्तुतः यह कृष्ण सुख गोपी प्रेम का स्वरूप लक्षण है।
और सर्व त्याग तटस्थ लक्षण हैं। निज सुख कामना को प्रीति रस की उपाधि कहा गया है। गोपी प्रेम में यह उपाधि नहीं है, इसी से गोपी प्रेम को निरुपाधि प्रेम कहते हैं। प्रश्न हो सकता है, तो क्या श्री कृष्ण के दर्शन की भी गोपी जनों को इच्छा नहीं है? श्री कृष्ण के दर्शन की भी गोपी जनों के इच्छा नहीं है? और क्या उनका दर्शन प्राप्त करके भी वे सुखी नहीं होती? इसका उत्तर यह है कि निश्चय ही श्री गोपांगनाएं श्री कृष्ण दर्शन के लिए नित्य नित्य उत्सुक रहती हैं, और निश्चय ही श्री कृष्ण के दर्शन से उन्हें परम सुख की अनुभूति होती है। इतना अधिक सुख उन्हें होता है कि उससे उनके मुखमंडल पर, उनके अंग प्रत्यंग में, उनके रोम रोम में प्रफुल्लता की बाढ़ आ जाती है। पर यह सब इसी कारण होता है कि इससे प्रियतम श्री कृष्ण को अपार सुख मिलता है। उनका हृदय एक अभिनव महान उल्लास से भर जाता है। मुझे देखकर श्री कृष्ण को कितना महान सुख प्राप्त हो रहा है, इस अनुभूति से प्रत्येक गोपी का सुख समुद्र उमड़ उठता है और उससे उसके प्रत्येक अंग की और मुख की कांति और भी समुज्ज्वल सम्मधुर हो जाती है गोपी की इस परम मधुर आनंद ज्योति प्रसृत मुख श्री पर श्याम सुंदर के नेत्र निर्निमेश होकर गड़ जाते हैं, और उनके अंतर के सुख समुद्र में विपुल रूप में आनंद की तरंगे लहराने लगती हैं। श्री कृष्ण का यह परम सुख गोपियों को पुनः पुनः श्री कृष्ण के सुख दर्शन के लिए प्रेरित करता है। वस्तुतः श्री कृष्ण सुख ही गोपी का सुख है। स्वतंत्र सुख अनुसंधान की उसमें कल्पना भी नहीं है। श्री कृष्ण आस्वादन जनित सुख भी उसको स्वतंत्र रूप से नहीं होता, श्री कृष्ण सुख परतंत्र ही होता है। गोपी का वस्त्राभूषण धारण करना, श्रृंगार करना, खाना पीना, जीवन धारण करना सभी सहज ही श्री कृष्ण सुख के लिए हैं, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अर्जुन गोपियां अपने अंगों की रक्षा या देखभाल भी इसलिए करती हैं कि उनसे मेरी सेवा होती है। गोपियों को छोड़कर मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र और कोई नहीं है। जय श्री राधे।